वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मूवी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ पांच नई साउथ की हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। सो दोस्तों, इन पांच मूवी में से चार मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है एंड एक बड़ी मूवी की अपडेट बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर मूवी आती है आरओवी, जो कि 2016 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर पॉलिटिकल फैमिली इंटरटेनर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है अदी वालन, प्रदीप एंथनी। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ड्रामा थ्रिलर पॉलिटिकल मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे भी ये मूवी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एंड बढ़िया मूवी रहने वाली है। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर की रेटिंग मानी जाती है एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग की, दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है गोल्ड माइंस डबिंग स्टूडियो में, जहाँ गोल्ड माइन डबिंग स्टूडियो में इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई गई है और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर दो पर मूवी आती है सेवेंथ डे, जो कि 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में पृथ्वीराज, जनानी अय्यर, नवीन थॉमस। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ड्रामा थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मूवी रहने वाली है। वैसे भी मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेटिंग मानी जाती है एंड ये मूवी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग की, दोस्तों इस मूवी हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है V4U मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर तीन पर मूवी आती है कावल, जो कि 2015 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है बेमल, MS भास्कर, गीता। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिलर रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे भी मूवी अच्छी खासी मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 3.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले एंड अगर बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग की, दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है दंगल टीवी चैनल ने और इस मूवी की हिंदी डब वर्जन का टाइटल का नाम रखा है वंस अपॉन ए टाइम इन चेन्नई के नाम से। इस मूवी को डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर चार पर मूवी आती है यवारू, जो कि 2016 में रिलीज हुई ड्रामा हॉरर रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है नंदा मुरारी, पंच बोड़ा, नसरत। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को हॉरर ड्रामा थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे भी मूवी अच्छी मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जो कि दोस्तों अच्छी रेटिंग मानी जाती है एंड अगर बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग की, तो इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है बॉली किक मूवीज़ ने, जहाँ दोस्तों बॉली किक ने इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है और इस मूवी की हिंदी डब वर्जन का टाइटल का नाम रखा है एवाडू, यानी कि सेम नाम से इस मूवी को डब करवाया गया है। ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर पाँच पर मूवी आती है चनकिया, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है सुपरस्टार गोपी चंद, मेहरीन कौर, जहरीन खान। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो दोस्तों बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स की, तो दोस्तों आप लोग बता दें कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा था वॉर्म इंडिया मूवीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने एंड लेटेस्ट
लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस मूवी की हिंदी डबिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है एंड इसके साथ साथ इस मूवी की सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो ये मूवी अब रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जैसे इस मूवी की कंफर्म रिलीज डेट आएगी या इससे जुड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर।